हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और आप एक ऐसा फेस पैक जानना चाहते हो जिससे कि आप ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो बिल्कुल इजीली, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फेस पैक जो कि आपके अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि दिस फेस पैक इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है तो वो क्यों होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमें स्वेटिंग होती है ना, उतने ही हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन दिस इज क्वाइट नॉर्मल, हर एक की स्किन पे थोड़े बहुत ओपन पोर्स जरूर होते हैं, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किन पे ध्यान दोगे ना, तो आप इसकी प्रॉब्लम से बिल्कुल इजीली डील कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो ना, तो उसमें आपको ऐड करना चाहिए आइस फेशियल, या फिर आप डायरेक्टली आइस अगर अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे तो वो भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पोर्स श्रिंक होते हैं, क्योंकि जब भी हम आइस वाटर फेशियल करते हैं या आइस को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, उससे आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है, क्योंकि आइस वाटर फेशियल इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर ओपन पोर्स। तो अगर आपको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना, तो इस चीज को जरूर अपने रूटीन में ऐड करो कि आपको आइस तो डेली अप्लाई करनी ही है। इफ योर स्किन इज सेंसिटिव तो आप आइस वाटर फेशियल कर सकते हो। तो अब बात आती है हमारे फेस पैक के बारे में कि आज का फेस पैक ऐसा कौन सा फेस पैक है जो कि हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो डू यू नो मुल्तानी मिट्टी, सभी को पता है फुलर्स अर्थ, दैट इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर ओपन पोर्स। अगर हम महंगे से महंगा फेस पैक लगा लेना और उसकी जगह अगर हम मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं, दैट इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर ओपन पोर्स। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो हमारे ओपन पोर्स हो रहे होते हैं ना ऑयल की वजह से, अगर हमारा ऑयल रिड्यूस हो जाएगा स्किन से, तो नेचुरली हमारे जो पोर्स हैं वो लेस नोटिसेबल हो जाएंगे, उनका जो पोर्स का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, और जिससे कि हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आज की रेमेडी बिल्कुल ही नेचुरल रेमेडी है, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी का यूज करने वाले हैं। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से आपको जरूर छुटकारा मिलेगा इससे, क्योंकि आप खुद डिफरेंस देखोगे अपनी स्किन में कि जब आप ओपन पोर्स के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का ये वाला फेस पैक लगाओगे ना, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली यू कैन सी द डिफरेंस इन योर स्किन। और वैसे भी एज के साथ साथ साइंस ऑफ एजिंग आना तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी एक साइंस ऑफ एजिंग के ही पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, हमारे पोर्स ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, ये वाला फेस पैक अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली यू विल सी द रिडक्शन ऑफ योर ओपन पोर्स प्रॉब्लम। तो चलो जल्दी से अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने इस फेस पैक को बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए 1 स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। नाउ यू हैव टू एड 2 स्पून ऑफ रोज वाटर। रोज वाटर इज द नेचुरल टोनर फॉर योर फेस। रोज वाटर में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है ना कि वो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है, प्लस आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर द ओपन पोर्स प्रॉब्लम। तो आपको 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच रोज वाटर डाल के अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना। नाउ यू हैव टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस कंप्लीटली। आपको कोई भी पार्ट फेस का छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बाकी सारी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है या आप नहीं यूज करना चाहते फेस पैक, तो जहां जहां आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप वहां वहां भी इसे यूज कर सकते हो। लेकिन ये फेस पैक इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना कि इससे आपके अदर कंसर्न्स भी दूर होते हैं। लाइकवाइज अगर आपके एक्नेस और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होगी। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेज है, तो वो प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक मिरेकल की तरह काम करती है आपकी स्किन के लिए। तो अच्छे से फेस पैक को अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। इसे अच्छे से आपको ड्राई होने देना, क्योंकि अच्छे से जब ये कम्प्लीटली ड्राई होगा ना, तभी आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अब सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फेस पैक को उतारना कैसे है। आपको ये फेस पैक कोल्ड वाटर से उतारना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोल्ड वाटर में आपके पोर्स को श्रिंक करने की कैपेबिलिटी है, तो इसलिए यू हैव टू यूज कोल्ड वाटर हियर। तो कोल्ड वाटर से फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद अब आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाता है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आइस मसाज। आइस मसाज इज द वंडरफुल थिंग जो कि आप अपनी स्किन के लिए कर सकते हो ना, क्योंकि अगर आपको फेस पे ग्लो चाहिए तो आइस सबसे पहले आती है।
अगर आपको फेस पे साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करना है तो आइस मसाजेस फर्स्ट, अगर आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स है तो भी आइस मसाजेस वेरी इफेक्टिव। सो अगर आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो इस रूटीन को तो जरूर ऐड कर लो अपनी लाइफ में एंड यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप खुद देखना यूज करके, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसे यूज करके। आपको इस रेमेडी को वीक में 3 times जरूर यूज करना है इफ यू हैव ओपन पोर्स। आप देखोगे डे बाय डे, वीक बाय वीक आपके ओपन पोर्स रिड्यूस हो रहे हैं। अगर आप सोचो कि एक बार हमने कर लिया और हो गया काम, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू यूज इट रेगुलरली, क्योंकि जितना आप रेगुलर रहोगे ना, जितना आप अपनी स्किन केयर पे टाइम दोगे, उतनी आपकी स्किन अमेजिंग होती जाएगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी स्किन को कितना पैम्पर करना है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करना, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस रेमेडी को फॉलो करके कैसा लगा। और हाँ, एक बात आपको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताओ कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको मेरी रेमेडीज कैसी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।